हेल्दी ब्रेकफास्ट सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कोथम्बीर वड़ी, बिकॉज विंटर में धनिया बहुत ही अच्छा मिलता है और बहुत ही सस्ता भी मिलता है, तो ये सीजन बेस्ट है कोथम्बीर वड़ी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने बड़े 2 कप धनिया को ऐसे बारीक बारीक काट लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धनिया एकदम हमने फ्रेश लिया है। उसमें अब हम डाल देंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतनी मिर्ची डालिए और टेस्ट के हिसाब से आप डाल दीजिए अदरक। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा डालेंगे हम 2 चम्मच, ताकि हमारी जो कोथम्बीर वड़ी है वो अच्छे से क्रिस्पी बने। फिर हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, चीनी टोटली ऑप्शनल है, आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे हींग, काली मिर्च का पाउडर एंड थोड़ा गरम मसाला। उसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एंड हल्दी पाउडर। 1 चम्मच जितनी हम डाल देंगे सौंफ। फिर हम डाल देंगे नींबू का रस, ये थोड़ी खट्टी मीठी अच्छी लगती है, तो मैं पूरा 1 नींबू डाल देती हूँ इसके अंदर। फिर मैं डाल देती हूँ पिंच ऑफ सोडा बाई काप, जो हम पकौड़ों में डालते हैं वो सोडा, सिर्फ आपको पिंच ऑफ यानी कि चुटकी भर डालना है। और 1 कप हम डाल देंगे बेसन। और सारी चीजों को मैं हाथ से कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। बाकी का बेसन भी हम डाल देते हैं। 2 कप के सामने आपको 1 कप बेसन डालना है और 2 चम्मच आपको चावल का आटा डालना है। अब मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच जितना तेल। फिर से कर देंगे अच्छे से मिक्स। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, पानी आपको एक साथ ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसका आपको एक टाइट डो प्रिपेयर करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे नमक डालना बिल्कुल भूल गई थी, तो हम नमक डाल देते हैं हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें पानी डाल के इसका डो प्रिपेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, मैंने सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही पानी डाला है, आपको ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। मैंने यहाँ पे स्क्वायर केक टिन लिया है, अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप कोई भी प्लेट में भी इसको बना सकते हो। इसमें मैंने तले के ऊपर पूरा ऑयल ग्रीस कर दिया है, ताकि हमारी जो कोथम्बीर वड़ी है वो चिपके ना। उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़े से व्हाइट तिल। फिर हम डाल देंगे हमने जो ये आटा प्रिपेयर किया है उसको, पूरा आटा मैं एक ही साथ ले लेती हूँ और इसको पूरे के टीन के अंदर ऐसे फैला लेना है। आपको इसको ज्यादा हाइटेड नहीं बनाना है, सिर्फ आधा इंच यानी कि आपकी उंगली का जो आधा इंच होता है उतना ही भरना है, ताकि थोड़ी फूलेगी तब और थोड़ी मोटी होगी। एक बार ये पूरे के ऊपर फैल जाए उसके बाद आपको फिर से ऊपर थोड़ा तेल डालना है। और इस स्पैचुला से हम इसको फिर से एक बार अच्छे से फ्लैट कर देंगे।
आप देख सकते हैं इसको हमने इवनली फैला लिया है। अब इसके ऊपर मैं फिर से थोड़े व्हाइट तिल डाल दूंगी। तो हमारा टीम बिल्कुल रेडी है, इसको मैं अभी डाल देती हूँ। यहाँ पे हमने एक स्टीमर को गरम करने रख दिया है। स्टीमर हमारा अच्छे से गरम हो गया है, अब मैं टिन को रख देती हूँ। गैस की फ्लेम को मैं फास्ट कर देती हूँ और इसको 12 से 15 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। बारह मिनट हो गए हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा नाइफ एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल बॉईल होके रेडी है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अब ये मोल्ड हमारा पूरा ठंडा हो गया है और मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे एक बार चप्पू भी ऐसे चला दिया है ताकि आसानी से अनमोल्ड हो जाए। तो इसको हम पहले अनमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से अनमोल्ड हो गए हैं। अब इसके हम चौरस क्यूब्स में कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी वड़ी को ऐसे क्यूब में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं सारे क्यूब्स हमारे अच्छे से कट हो गए हैं। कहीं कहीं जगह पे कोथम्बीर वड़ी ऐसे लंबी स्लाइसेस में भी मिलती है, तो मैंने यहाँ पे दो पीस वैसा भी काट के दिखाया है। आप कोई भी शेप में इसको कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके फाइनल प्रोसीजर की। आप चाहो तो इसको गरम गरम ऐसे ही सर्व कर सकते हो, बट कोथम्बीर वड़ी डीप फ्राई या फिर शैलो फ्राई सर्व होती है, तो मैं आज इसको शैलो फ्राई करना चाहती हूँ। अगर आपको लंबे समय के लिए रखनी है इसको, 2-3 दिन के लिए, तो आप इसको डीप फ्राई कर दीजिए। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन में तेल को गरम करने रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं एक एक पीस करके सारी बड़ी को इसके अंदर रख देती हूँ और गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। जब तक ये पूरी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसको हम पकाएंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे। आप देख सकते हैं हमारी वड़ी दोनों साइड से क्रिस्पी हो गई है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। मैं दूसरे साइड से भी दिखा देती हूँ कि दोनों साइड से पक के रेडी है। तो इसको हम निकाल देते हैं प्लेट के अंदर और ऐसे ही मैं बाकी का जो दूसरा बैच हमारा बाकी है उसको भी ऐसे शैलो फ्राई कर लेंगे। सर्दियों के सीजन में जब हरा हरा धनिया बहुत अच्छा मिलता है उसी टाइम पे आप इसको बना सकते हैं। इसका नाम है कोथमीर बड़ी। आप इसको बना के 2 से 3 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो और अगर कहीं बाहर जाना है, पिकनिक पे जा रहे हो, तो इसको साथ में भी लेके जा सकते हो। ये बहुत ही फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेडी है हमारी कोथमीर बड़ी।